हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल के जवाब को, क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। आइए लेते हैं सबसे पहला सवाल माजून शबाब वार का नुस्खा शेयर करने के बारे में। ये एक रिक्वेस्ट है। देखिए, माजून शबाब वार एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, ये कंपनी का अपना पेटेंटेड फार्मूला है, इसलिए इसको इन जनरल इस तरह से शेयर नहीं किया जा सकता। आप कंपनी की जो मेडिसिन है उस पर सारा नुस्खा लिखा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। एक दूसरा और बहुत खास सवाल हमारे बहुत खास व्यूवर्स की तरफ से, अजराकी को उन्होंने जो हमारा तरीका है उसी तरह से मुदब्बर किया है, लेकिन उसको फिर भूल लिया है, थोड़ी सी उन्होंने अपना और जो तखय्युल है वो उसमें शामिल कर दिया है, तसर्रुफ कहना चाहिए। इनफैक्ट देखिए, इसको हमें समझना होगा, अजराकी को हम इसलिए मुदब्बर करते हैं कि ये एक जहरीली दवा है, इसके अपने नुकसानात होते हैं, तो इसकी तेज़ी को ख़त्म करने के लिए हम पानी में भी आप इसको गला सकते हैं, मिट्टी में भी इसको दबा सकते हैं, आटे में भी इसको दबा सकते हैं, और इसको फुला करके और इसके ऊपर की स्किन उतार करके अंदर का पत्ता हटा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो तरीका है जो हम अपनाते हैं, एलोवेरा में इसको गला करके और बाद में इसका पत्ता निकाल करके और फिर इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा में इसको गलाने के दो मकसद हैं, एक तो यह है कि एलोवेरा में ये बहुत जल्दी से गल जाता है, बहुत जल्दी फूल जाता है, और इसको काटना तोड़ना पीसना आसान होता है। एक दूसरा मकसद यह जो है नेहा है, जो कि बिल्कुल पिन्हा मकसद है, वो आमतौर से बहुत आगे जाके शेयर किया जाता है, लेकिन मैं फ़िलहाल बताता हूँ कि चूंकि अजराकी एक खुश्क दवा है और हमें जो हमारे आसाब हैं उनके लिए मैं जब रतूबत हो जाती है तो उसको खुश्की दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चूंकि एलोवेरा के ज़रिए हम इसमें इसकी उस ज्यादती को कम कर देते हैं जो कि आसाब को नुकसान दे, उनकी रतूबत को खुश करे लेकिन नुकसान की हद तक ना पहुंचे, और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर अदरक के पानी में भी डालते हैं ताकि इसमें जो बलगम को ख़त्म करने की तासीर है वो और ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन भून लेना और सेक लेना, घी में बिरिया करना, ये सब वो बातें हैं जो बातें हैं इसको मुदब्बर करने के लिए नहीं, बल्कि इसको आसानी से पीसने के लिए बनाई गई हैं। मुदब्बर तो जो हमने बताया है उसी तरह से होता है ये फ़ायदे के लिए, लेकिन आप अगर इसको घी में भी भून लेते हैं या आग पर सेक लेते हैं तो वो इसकी जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो ख़त्म होता है, ये खुश्क ज़्यादा हो जाता है और फिर आराम से पिस जाता है। तो यहाँ पर ये एक कन्वीनियंस पैदा करना कि ये पिस, क्योंकि इसको पीसना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि हम चूंकि कम से कम 500 तरह की जड़ी बूटियों को पीसते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी कितनी मुश्किल से पिसती है, कितनी आसानी से पिसती है, किसमें कितना बचता है, किसमें नहीं बचता, वगैरह वगैरह। तो ये जो तरीका अपनाया गया है वो इसलिए अपनाया गया है कि ये सूख जाए और पिसने में आसानी हो जाए, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है, हमें सिर्फ पीसने की तकलीफ से बचने के लिए उसके फ़ायदे को ख़त्म करना है, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम पीसना जानते हैं, इसको कैसे पीसते हैं। बहरहाल, तो जो हमने बताया है तरीका वही है, भून लेने के बाद अगर ये ज़्यादा ब्राउन, कुछ लोग जला तक भी लेते हैं कि जला का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं उस हक में नहीं। एक सवाल है कि बलगमी मिजाज आसामी सिस्टम के लिए कौन सी दवाएं मुफीद होती हैं। बहुत सीधी सी बात है, जो भी दवाएं गर्म खुश्क होती हैं, जैसे हब्बे अजराकी है, अनुक्रिया कबीर है, तिया का समानिया है, या जिसमें बीज डाला गया है, जिसमें अजराकी डाला गया है, जिसमें सौंठ डाली गई है, जिसमें खोलंजन डाला गया है, दालचीनी डाली गई है, इस तरह की चीज़ें जिस भी मुरक्कब में होती हैं वो गर्म होती हैं और आसाब को फ़ायदा देती हैं। मस्तकी, एक सवाल यह है कि मस्तकी को घी में डालकर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मजायका नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्ट ही लिया जाए तो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मस्तकी खा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लें, वो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर मस्तकी को जवारिश मस्तकी सादा बनाकर भी ले सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि दो हर्ब्स के नाम चाहिए, जो सुम्बुलुतीब, इसको बालछड़ और जटामासी कहते हैं,
हब्बुल गार, ये इसका नाम हब्बुल गार ही है, इसी नाम से मिलेगी, चूँकि ये बाहर से आती है और यूनानी की दवा है इसलिए ये इसी नाम से दस्तयाब होगी। एक सवाल ये भी है कि कुछ और चीज़ों पर भी वीडियो बनाएंगे, इसको हमने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह जल्द ही कुछ और चीज़ों पर भी हम वीडियो शुरू करेंगे। एक सवाल ये भी है कि नब्ज़ की तशखीस के बारे में वीडियो बनाए। देखिए, नब्ज़ के बारे में हमने अब अपना जो अमल था वो छोड़ दिया है, अब हम नब्ज़ नहीं देखते हैं, वेरी सिंपल। अब हम हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी बिल्कुल ऑनलाइन वाले पेशेंट्स की तरह से ट्रीट करते हैं, और जो वैसे भी अब हम ज़्यादातर ऑनलाइन पेशेंट्स को ही ट्रीट करते हैं, और ऑनलाइन में अपने अपना हम पायनियर है इस चीज़ के कि हमने ऑनलाइन में अपना एक सिस्टम, एक प्रोग्राम, एक प्रोसीजर पैदा किया है जिसके ज़रिए हम इतनी दूर से मरीज़ के मिजाज और मर्ज़ को अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेते हैं और उसके हिसाब की दवाएं देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है ये। सैकड़ों हज़ारों मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि नब्ज़ देखकर आप 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200 मरीजों को देख सकते हैं, और ऑनलाइन में अगर आप एक प्रोग्राम ऐसा बना लेते हैं, कोई एक ऐसा टूल बना लेते हैं जिसके ज़रिए आप तमाम दुनिया के लोगों को डील कर सकें, देख सकें, उनको फ़ायदा पहुंचा सकें अपने तजर्बे का, वो ज़्यादा बेहतर बात है, और इस दौर में उसी चीज़ की ज़रूरत है। 110 से पहले गोली कैसे बनाए, गोली हमारे बहुत सारे वीडियोज़ में हमने बनाते हुए दिखाया है, आप वहाँ देखें। हब्बे ज़राक़ी खाने का तरीका भी बता दें, हब्बे ज़राक़ी जैसी दवाएं तमाम ही खाना खाने के बाद खाई जाती हैं, पानी के साथ या दूध के साथ। एक बहुत ख़ास सवाल, हब्बे ज़राक़ी ब्रेन स्ट्रोक में ले सकते हैं क्या? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कि या तो दौरान खून तेज़ होकर के और ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी कि गर्मी पैदा हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ा, और दूसरा ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने के बाद, रुकावट पैदा होने के बाद ये इस तरह जो ब्रेन स्ट्रोक वाले सिम्टम्स हैं वो आते हैं। तो बहरहाल हब्बे ज़राक़ी को ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है, बल्कि ममनू है, मना है। और एक सवाल है जो हमारी समझ में नहीं है, असल में दाउल फैल का पेड़ कौन सा है, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है इंग्लिश में, तो इसको या तो उर्दू में, हिंदी में लिखा जाए या वॉइस मैसेज से बोलकर भेजा जाए कुछ, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो डियर व्यूअर्स, हम जल्दी ही इंशाल्लाह दूसरे सवालों का जवाब देंगे, फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।